अस्सलाम दोस्तों, क्या चलो मैं करता सब खैरियत होंगे। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जनाब आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि काफ़ी देर से मैं सोच रहा था कि आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आऊँ जो इंटरेस्टिंग हो। टेस्ला मॉडल वाई, ठीक है, उसका रिव्यू आप ये लेके आएँ। वो खुद ही सेल्फ ड्राइव चलती है, कैसे चलती है, उसके लिए क्या फंक्शंस हैं वो आपको दिखाएंगे। क्योंकि मैंने भी फर्स्ट सेल्फ ड्राइव कभी नहीं चलाई, टेस्ला तो मैंने नहीं चलाई पहले, फर्स्ट टाइम अभी इसकी ड्राइव लूँगा। लेकिन ऑटो पायलट या सेल्फ ड्राइव वो मुझे नहीं बिल्कुल पता। अभी फिलहाल मैं और बेगम जा रहे हैं थोड़ी सी टेस्ट ड्राइव करने फर्स्ट टाइम, उसके बाद ऑटो पायलट जो है ना वो मामू चलाएँगे। जाहिर सी बात है उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, मैंने कभी टेस्ला चलाई नहीं है। तो सेल्फ ड्राइव मतलब ये है कि सेल्फ ड्राइव में मुकम्मल खुद ही गाड़ी चलेगी, खुद ही रुकेगी, खुद ही टर्न राइट टर्न लेफ्ट करेगी। उसके अंदर से एड्रेस डालना पड़ेगा, अभी आपको डेमो भी देंगे, गाड़ी बाहर लेके जाएंगे और अपने घर के एड्रेस डालूंगा। गाड़ी विद आउट टच जो है ना, वो गाड़ी ब्रेक पे पाउंड नहीं रखना पड़ेगा, रेस पे पाउंड नहीं रखना पड़ेगा, खुद ही ब्रेक लगाएगी, खुद ही वो अपना एक्सीलेटर देगी। अभी हम चलते हैं टेस्ला की तरफ। ये माशाल्लाह से हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, ये भी सारी गाड़ी नई नई मॉडल की गाड़ी खड़ी है सारी। अभी वो खड़ी हुई टेस्ला ब्लैक कलर की सामने, उसके लिए कोई चाबी नहीं, कोई कुछ नहीं। सेल्फ के अंदर उसका सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा टेस्ला का, और गाड़ी आपके पूरे कंट्रोल में आ जाएगी। ये गाड़ी सेल्फ से चलती है, आपके पास आ जाएगी, पार्किंग से निकल के आपके पास आएगी। ये अब देखिए खुद ही ये आपका गाड़ी खुल गई, मैंने कुछ भी नहीं किया, हाथ तक नहीं लगाया मैंने। तो ये देखिए जनाब, ये टेस्ला की अंदर वाला पोर्शन है, ठीक है। ये पैनोरामिक रूम, पैनोरामिक रूफ है इसका, सारा ग्लास है ये, और ऊपर से आप बाहर से नज़र बिल्कुल नहीं आ रहा आपको, लेकिन अंदर ऐसे लग रहा है कि स्पेसशीट में बैठे हों। ये इसके बैक सीट्स हैं, ये इसका जनाब सारा कंट्रोल जो है टेस्ला का इसके अंदर है। इस पर आप कैमरा ऑन कर सकते हो, मतलब आम गाड़ियों पे यहाँ पे वो माउस लगे हुए होते हैं, इसका कुछ, इसका सिर्फ ये टैबलेट है, वो सारा कुछ टैबलेट के अंदर है, ठीक है। अभी ये गाड़ी को हमने क्लिक किए, सारा कुछ आ जाएगा इसमें, चार्जिंग, ठीक है, ऑटो पायलट, लॉक्ड लाइट, डिस्प्ले, ट्रिप नेविगेशन, जितना भी सारा सिस्टम इस टैब के अंदर है। आपने जो भी करना है इस टैब के अंदर ही आपने सेटअप करना है और गाड़ी चलानी है। अभी देखिए मेरी बेगम गाड़ी खोलनी नहीं आएगी, बेगम खोलो गाड़ी, अब देखते हैं तुम्हें कितनी कितनी इंटेलिजेंट, खोलो गाड़ी, उसको पुश कर, वेरी गुड, देख क्या बात है, भैया ने गाड़ी खोल ली है। तो ये देखिए जनाब, इसका कोई स्विच नहीं है, कोई कुछ नहीं है, गाड़ी पे बैठो आप, रेस पे पाँव रखो, गाड़ी आपकी पूरी कंट्रोल में आ जाएगी। आप जो उनसे ना, अब उसको ड्राइव पे लेके चलते हैं, बस ये क्लिक आपको बटन दबाना है और आपकी गाड़ी ड्राइव पे आ जाएगी। है ये डब्बा है, इसमें ऐसे कुछ भी नहीं है, है ये डब्बा है। ये डिस्प्ले पे देखें आप, ये जितनी भी गाड़ी खड़ी हुई है ना, ये देखें यहाँ पे दिखाओ भाई, ये देखो यहाँ दिखाओ, ये देखो भाई जितनी भी गाड़ी ये साइड पे नजर आ रही है, लाइट खड़ी हुई है और ये डिटेक्ट कर रही गाड़ी है, जितनी भी गाड़ी खड़ी हुई है। ये ड्राइव पे लोग गाड़ी खड़ी हुई है, वो दिखाओ भाई, वो गाड़ी खड़ी हुई है, ये भी दिखा रहा है, ये वो एक वो खड़ी हुई है, यहाँ पे खड़ी हुई है, स्ट्रीट पे गाड़ी ये खड़ी हुई है, और ये स्ट्रीट है जहाँ से हम जा रहे हैं, और इधर उधर जो गाड़ियाँ लोगों की पार्किंग में है, और इसकी पावर देखें, जो भी मजा देखना अभी उमर ये कितनी पावर है, ये जो सी ना लॉन्ग रेंज है, मॉडल वाई है, टेस्ला मॉडल वाई, फुली सेल्फ ड्राइव है, की वगैरह नहीं यूज होती इसमें, की भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये आपको आपका ये गियर बॉक्स है, बस ये गियर शिफ्टर है, यहाँ पे आप यहाँ से रिवर्स और ड्राइव मोड पे डालोगे, यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, एक स्टीयरिंग दिया हुआ है और ये आपको एक टैबलेट दे दी है, जो भी आपने करना है टैबलेट करना है। हमारे पास ये देखिए टैबलेट नहीं होते वैसे है, हाँ तो ये देखिए ये गाड़ी खड़ी हुई है, ये दिखाओ गाड़ी, ये रोड पे खड़ी हुई गाड़ी, ये रोड पे खड़ी हुई यहाँ पे नजर आ रही है, ये खड़ी है, हाँ वो हर चीज को ही डिटेक्ट करेगी, ट्रीज को छोड़ के बाकी रोड के ऊपर जितनी गाड़ियां हैं वो उसको डिटेक्ट करेगी। अभी ये ऑटो पायलट मैं नहीं चलाऊंगा, अभी मामू को पकड़ने हैं और उनको बोलते हैं कि आप हमें ऑटो पायलट यहाँ पे इस गाड़ी पे चला के दिखाएं,
क्योंकि जारी सी बात है मुझे नहीं पता, मैंने कभी चलाई नहीं है और मुझे नहीं पता चलती कैसे ऑटो पायलट पे। हाँ स्टीयरिंग में जो मैनुअल चीज़ है वो तो हम चला सकते हैं, लेकिन ऑटो पायलट वो ही चला सकते हैं जिसकी गाड़ी है और उसको नॉलेज हो, मुझे पता ही नहीं है। तो अभी उनको पकड़ते हैं, वो उनके साथ हम चलते हैं और वो हमें ऑटो पायलट दिखाएंगे और आपके सामने होगी। वो कहते हैं कि ये गाड़ी खुद ही टर्न करेगी, लेफ्ट राइट सिग्नल भी खुद ही रुकेगी और अगर कोई इसके आगे आ भी जाता है तो खुद ही ये स्टॉप करेगी गाड़ी को, गाड़ी खुद ही स्टॉप होगी, हमें ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसकी पावर देखिए कितनी पावर है इसकी, मैं तो जाके लग रही हूं। इतनी इसकी पावर है ये, तो ये एक सेकंड में ऐसी पावर पकड़ती है, जो पेट्रोल होता है वो पावर पकड़ता है टाइम लेता है, लेकिन ये जो सी ने ये जनाब हद है इसकी पावर की। तो रिवर्स ये कैमरा दिखाओ, इसकी कैमरा दिखाओ, ये लेफ्ट मिरर का राइट मिरर का ये रिवर्स कैमरा दिखा रहा है कि आपकी साइडों में गाड़ी जितनी भी है वो आपको अगर रिव्यू मिरर पे भी ना देखो तो ये आपको दिखा रहा है, अगर आपने रिव्यू मिरर पे नहीं देखना तो इस पे देखिए आप गाड़ी अपनी लेके जा सकते हो। अभी मामू को लेके आते हैं बाहर और मामू दिखाएंगे हमें इसके बारे में ज्यादा मजीद बताएंगे कि गाल है। चलो जी लेट्स गो जी, आप ये देखें आज आपको दिखाएंगे कि ऑटो पायलट गाड़ी कैसे आपको गढ़ लेके जाएगी विदाउट स्टेन टच करेंगे, हल्का सा पांव भी ब्रेक से पांव खत्म करेंगे और एक्सीलेटर भी नहीं होगा। और ये अभी हम इस पे एड्रेस डालेंगे अपना, ये है सेल्फ ड्राइव, ये एड्रेस है मेरे घर का, ये डाल दिया, वे गाड़ी खुद ही लेके जाएगी हमें घर, अब ये खुद ही लेके जाएगी। In 500 feet, turn left onto West Army Trail Road. स्टेयरिंग से हार्ड हमने हटा दिया, हाँ अब ये खुद ही टर्न करेगी, देख रही है लेफ्ट राइट की गाड़ी आ रही है, देखो वो गाड़ी आ रही है इसलिए रुक गई है, चल भी नहीं रही, ये गाड़ी आई एक वो गाड़ी आई, अब देखो ये खुद ही टर्न कर रही है, देखो कोई गाड़ी नहीं है वो ही टर्न करेगी और खुद ही अपनी लाइन पर आएगी, वो देखो है ना कमाल की चीज़, हम स्टेयरिंग को हाथ में लगा रहे, अब ये खुद ही टर्न करेगी, ये देखो दिस इज कॉल्ड सेट टेक्नोलॉजी, अब ये अपनी लाइन को खुद सेलेक्ट करेगी और वहाँ पे खड़ी हो जाएगी आके, कोई ब्रेक पाव नहीं है, स्टीयरिंग खुद ही इसका टर्न लेफ्ट हो रहा है, अभी हम इसको फॉलो करेंगे, ट्रैफिक में आके रुक गई गाड़ी, तो अच्छा ये बताएं मामू कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है, ये इसको ऑटो पायलट कहाँ तक ही चलती है, अगर हम ऑटो पायलट अभी एक्सपेरिमेंटल है और ये आप तो लेके जाएगी स्ट्रीट एड्रेस टू स्ट्रीट एड्रेस, जहाँ आपने नाउ टर्न लेफ्ट ऑन टू वेस्ट आर्मी ट्रेल वहाँ ले जाएगी आपको, अभी आप खुद मोड़ रही है, खुद ही देखा, खुद ही टर्न कर रही है, उसने ग्रीन एरो देखा और खुद ही टर्न कर रही है, और इसकी पावर इतनी है शदीद है, तो बात क्या ही बताया जाए इसके पावर के बारे में, हल्के इसको ये आप टच क्यों करते हैं मामू, इसको ये बताएं, टच इसलिए करते हैं कि वो अभी रिक्वायर्ड है कि आपने स्टीयरिंग पे हाथ रखना है, इसको टोटली छोड़ नहीं सकते क्योंकि अभी स्टेट वाइज अलाउ नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंटल चल रही है, ये बेटा इसका वर्जन है, अगर स्टीयरिंग छोड़ेंगे तो क्या करेगी ये, फिर रुक जाएगी ये, आपको फिर ऑटो पायलट बंद हो जाएगा इसका, तो ये बोलेगी खुद ही इसको कंट्रोल करो, ये आप हाँ इसको पहले तो आपको एक दफा बोलेगी और आप नहीं मानोगे फिर ये आपको हटा देगी, ऑटो पायलट से हटा देगी। तो ये कौन सी गाड़ी है, नाम क्या है, टेस्ला, ये टेस्ला है, टेस्ला का कौन सा वर्जन है, ये वाई मॉडल है, ये वाई है, तो हम एक्सपेरिमेंट करने आए कि वाई जो है सेल्फ ड्राइव कहाँ तक हमें लेके जाती है, हम बाहर आए हुए थे और मैंने सोचा कि इसके साथ साथ आपको वीडियो भी दिखाते हैं, हमने इस पे एक्सपेरिमेंट ये किया कि हम बाहर निकले, हमने बोला अपना घर का एड्रेस डालते हैं और ये गाड़ी ये घर जो से आपको नजर आ रहा है ये मैप पे, ये हमें बकायदा लेके जा रही है और उसके मैप के ऊपर आपको बताया जा रहा है कि गाड़ी साइड पे फ्रंट पे लेफ्ट राइट पे जितनी गाड़ी आ रही है आपको दिखाई जा रही है, ये हमारी साइड पे गाड़ी है, अब नीचे देखें ये सैटेलाइट से हर चीज मॉनिटर कर रही है, आगे पीछे सब गाड़ियों को मॉनिटर कर रही है, ये स्टॉप साइंस रेड लाइट सबको मॉनिटर करती है, उसके बाद अगर रेड लाइट हो तो वो आपको रोक देगी, ये ग्रीन लाइट को अगर अचानक ही येलो लाइट ग्रीन लाइट रेड लाइट हो जाती है तो कैच करेगी उसको, उसको रोक लेगी बिल्कुल, उसमें अगर वो जैसे इंसान चला रहा होता है बिल्कुल वैसे चलाती है, और अगर कोई पैदल आदमी भी है तो उस पे भी पेडेस्ट्रियन पे भी रोक लेगी वो, तो ये मुमकिन है कि अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती तो ये
चलो वो तो एक बात अलग है, आपको स्टीयरिंग को हाथ लगाना पड़ेगा। अगर कोई स्टीयरिंग नॉन ड्राइवर, किसको ड्राइविंग नहीं आती, तो वो बैठे गाड़ी में और एड्रेस डाले, स्टीयरिंग पे हाथ लग के रखे और ले जाएगी उसको। फ्यूचर में यही है, लेकिन अभी इस वक्त नहीं ले जा सकता, लेकिन ये कि फ्यूचर में जब फुटी अलाउ हो जाएगी स्टेट वाइज, तो फिर आप कर सकते हैं, फिर आप कर सकते हैं। तो जनाब ये देखिए टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजी। एक दिन ऐसा भी आएगा जो गाड़ी हवा में चलेगी, अभी फिलहाल रोड पे चल रही है, सेल्फ ड्राइव चल रही है। ये देखिए जनाब, पाँव उनका बिल्कुल भी पीछे है, और बिल्कुल भी रेस के ऊपर नहीं है, ब्रेक के ऊपर नहीं है, पाँव उनका पीछे है, वो खुद ही ब्रेक मार रही है, खुद ही रेस कर रही है, स्टीयरिंग सब कुछ सेल्फ ड्राइव चल रही है। अब देखिए रेड लाइट आ गई, आपको दिखाते हैं रेड लाइट जो सामने, वो रेड लाइट है ना, वो गाड़ी खुद ही रुक रही है, वो देखें कोई ब्रेक पे पाँव नहीं है, रुक रही गाड़ी, आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, फुली सेल्फ ड्राइव है। और ये गाड़ी चलेंगी तो ये गाड़ी खुद ही चल पड़ेगी। तो ये देखे जनाब लाइट ग्रीन होगी, वो तो भी कोई ना कोई तो मंगेगी, कुछ ना कुछ करती रहेगी, कुछ रखेगी हाथ रख, मतलब ये फुली सेल्फ नहीं हो सकती, नहीं वो हो जाएगी, लेकिन अभी वो तो टाइम चाहिए, टाइम चाहिए उसके लिए। उसमें अगर आप फर्क करें, मतलब सो गए और एक्सीडेंट हो गया तो फिर खतरनाक है ना। तो मैं वीडियोस भी देखे, लोग सो रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे थे, वो क्या चक्कर है उनका, मतलब वो कोई अपना खुद बना लो अपनी जगह, मैं सोता हूँ अपने आप को शो करूँ और वो बन जाए तो अलग बात है, या कोई मैदान में आप कर रहे हो तो वो अदरवाइज मुमकिन नहीं है। मतलब इस वक्त कम अज कम यहाँ पे मुमकिन नहीं है, शिकागो में मुमकिन नहीं है, कैलिफोर्निया में अलाउ कर दिया है तो वहाँ पे हो सकता है आप कर सकते हो। नहीं तो अगर आप शिकागो में आपने जाना हो न्यूयॉर्क, तो आप इसको ऐसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो कैसे कंट्रोल करते हैं, सो गए नहीं, वो अब जैसे बहुत सारे ट्रक है, जैसे बड़े लॉजिस्टिक्स है, वो ऑटो पायलट है, उसमें होते नहीं है लोग, उसमें ड्राइवर ही नहीं होता, वो तो खुद चलते हैं, खुद चलते हैं। तो ये भी आ जाएगा इन नियर फ्यूचर, यहाँ पे ये खुद चलेंगे, मतलब गाड़ियां भी खुद चलेंगी। ये आपको लग रहा है ये जो गाड़ी खड़ी है ना, ये हमें साइड की गाड़ी बता रहा है, ये देखो ये अभी ये सिग्नल जो है ना, ये देखिए अब ग्रीन हो गया, ग्रीन सामने चेक कर लिया, कैच कर लिया, ये देखिए इसने कैच किया ग्रीन सिग्नल, और आपको दिखाते हैं ये ग्रीन सिग्नल, वहां से ग्रीन सिग्नल लग रहा है। अब अगर हमारे घर का जो सिग्नल है वो अगर रेड हुआ तो आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे भी रेड होता है और सिग्नल भी, ये भी इसको रेड सिग्नल भी कैच करती है, तो अगला रेड है, अगला रेड है। अब देखें खुद ही गाड़ी रुकेगी, ये इसने पहले से रोकना, उसके हिसाब से रोक रही है, वो उस गाड़ी उसको डिटेक्ट कर रही है, ये गाड़ी एकदम माने गए ये खड़ी रहेगी 500 feet। अब ये देखिए आपको दिखाते हैं, आप देखिए खुद ही पहले देखिए आप रेड सिग्नल है, और यहाँ पे अभी आपको रेड दिखाएगा, यहाँ पे देखिए डिटेक्ट करेगी, वो आ गया देखो रेड सिग्नल इसके ऊपर नजर आ रही है, और इंडिकेटर भी खुद देती है, वो इंडिकेटर वगैरह खुद ही टर्निंग, आप देखे मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, सर आप देखे आप ये इंडिकेटर उसने खुद दिया और टर्न भी खुद ही करेगी, वो मुझे मेरे घर तक लेके जाएगी। अब देखते हैं गाड़ियां सबको नजर आ रहा है, ये बकायदा जो इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन है, ये वाला ये गाड़ी जितने भी आ रही है, ये गाड़ी आई है देखें, ये गाड़ी रुकी है वहां पे उस साइड पे, और ये दिखा रही है गाड़ी वहां पे, सारे इंटरसेक्शन जो गाड़ियां आ रही है, सारी लाइव चल रहा है, जितनी भी गाड़ी इंटरसेक्शन क्रॉस हो रही है सब दिखा रही है। अब देखें खुद ही टर्न करेगी, अभी टर्न करेगी, अभी हल्की सी गाड़ी मूव हुई है फ्रंट वाली, तो ये पीछे से मूव हो गई है, अब देखिए खुली, अब देखें खुद ही टर्न करेगी, मैंने हाथ हटा दिया है, कहीं पे कोई हाथ नहीं है, वो देख क्या बात है। और मजे की बात है ये घर भी खुद ही टर्न लेके जाएगी, वैसे जो इन द फ्यूचर ये मुमकिन हो सकता है कि स्टीयरिंग पे हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देख तो जनाब ये देखिए हुदी हमें घर पे लेके आ गई है, ये हमने यहाँ पार्क करी है। अच्छा बस एक चीज बताऊं और दिखाऊं भी, ये देखें नॉर्मली गाड़ी का लॉक होता है, ऐसे खोलते हैं उसको, दरवाजा गाड़ी खोलता है, इसका बटन है, इसको दबाओ कैसे, ये बटन खुल गया, दरवाजा ये दरवाजा बटन दबाया दरवाजा खुल गया इसका, वो इसे बंद करेंगे। अब ये है मॉडल वाई टेस्ला का, ये इसको हमने खोल दिया, ये हो गया इसका डिक्की ट्रंक जो भी कह सकते हो आप, स्पेस इसकी अच्छी खासी है, ये 5-सीटर है, ये बटन दबाओ तो ये गाड़ी का ट्रंक खुद ही बंद होगा, ये इसका साइड है, छोटी सी नन्ही सी गाड़ी है लेकिन है बड़ी कॉस्टली है, ये है मॉडल वाई, और इसका दरवाज़ा ऐसे खुलता है, अब इसको दबाएंगे ऐसे ऐसे, ये ऐसे करेंगे, इसको पकड़ेंगे हैंडल को, ये दरवाज़ा खुल जाएगा, बस कोई आपको
इसकी की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, आपको इसको लगाना पड़ेगा।